अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नए वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो के जो टॉपिक है वो ईटा की वेबसाइट पर रेस्क्यू 1122 में जो वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है इसी के बारे में आज का एडवर्टाइजमेंट आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते अपने वीडियो की जानिब। दोस्तों आप ईटा की वेबसाइट को गूगल में सर्च करेंगे तो होम मेन्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। आपने इसमें न्यू प्रोजेक्ट वाले सेक्शन के ऊपर आना है या इसको आप क्लिक करके तो इसके एडवर्टाइजमेंट को रीड करने के लिए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। आपने इसको या से जूम कर लेना है और ऊपर आना है तो इसमें आप देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर बीपीएस 16 स्किल है, एक वैकेंसी है, अक्लियत कोटे के हिसाब से एक वैकेंसी। तारीम और उम्र आप देख सकते हैं बीसीएस कंप्यूटर साइंस में आपने किया हुआ भी। किसी भी मुस्तनद सरकारी इदारे से हो आपका, एक साल डिप्लोमा बराए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, 18 से 30 साल एज रिक्वायरमेंट्स मांग रहा है। इसमें ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर 4 वैकेंसी है और ये मुख्तलिफ जोन है। जोन 1 के लिए 2 वैकेंसी, जोन 5 के लिए भी एक और खवातीन कोटा के हिसाब से एक वैकेंसी। किसी भी सरकारी इदारे से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपने किया हो और ऑडियो वीडियो कैमरा मैन 14 स्किल है, एक वैकेंसी है, जोन 1 से एक वैकेंसी है। लीड पायर रिस्क्यूअर 12 स्किल है, 2 वैकेंसी है, जोन 1 से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 2 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग में आपने किया हो और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन 43 वैकेंसी है, जोन 5 के लिए 22, अक्लियत कोटे के हिसाब से 21 वैकेंसी है। पैरामेडिकल डिप्लोमा नर्सिंग और LHV तरजीह हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी एंड सर्जिकल टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नीशियन 11 स्किल है, 5 वैकेंसी, जोन 1 के लिए 2 वैकेंसी है, जोन 3 के लिए 1 वैकेंसी और जोन 4 के लिए 1 वैकेंसी और जोन 5 के लिए 1 वैकेंसी है। FSC या इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा DIE का हो आपके पास तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन 11 स्किल है, 1 वैकेंसी है, खवातीन कोटा के हिसाब से 1 वैकेंसी, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी सरकारी इदारे से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में आपने किया हो। नीचे दोस्तों इसमें फायर रिस्क्यूअर, डिजास्टर रिस्क्यूअर और ड्राइवर की वैकेंसी भी अवेलेबल है। दोस्तों इसमें काफी सारी वैकेंसी आप नीचे आएंगे, LDC प्लम्बर और ऑफिस अटेंडेंट, माली हजाम, सिक्योरिटी गार्ड, नायब कासिद, स्वीपर की वैकेंसी भी अवेलेबल है। यहाँ वैकेंसियों की तफसील अपने जोन के मुताबिक आप देख सकते हैं। उम्र के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसी के साथ एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी आप इस सेक्शन में देख सकते हैं। नीचे इसकी शराइत और वाबित को आप रीड कर सकते हैं। आपने दोबारा ईटा की वेबसाइट पर आना है और अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे, रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ अपने देने हैं और CNIC नंबर, कंफर्म CNIC नंबर जिस जोन से आप ताल्लुक रखने वाले हैं। यहाँ पर आपने एक जोन को भी सेलेक्ट कर देना है, डोमिसाइल जिस जोन के मुताबिक ही ओपन होगा तो ये आप देख सकते हैं। इसके साथ इंटर ईमेल एंड मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड, तो आपका अकाउंट जो है वो साइन अप हो जाएगा। दोबारा उस CNIC और पासवर्ड के थ्रू आपने एंटर होना है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने उसको फिल कर देना है। और इसके जो बैंक के चार्जेस है पर एप्लीकेशन फॉर्म के जो चार्जेस है वो 650 रुपए है, तो आपने इसको भी पेड करवा देना है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप इन वैकेंसी को भी अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर अपडेट की वीडियो आप दोस्तों को वक्त मिल सके। इसी के साथ दीजिए अपने भाई को इजाजत, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।